अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब मेहरबान नियाज़ी टीवी। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की ट्रिक लेकर आया हूं, जो कि एक सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से है, जो तकरीबन आजकल हर आदमी यूज़ करता है और ख़ासकर उन दोस्तों के लिए जो परदेश में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो ये ऐप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये उनके लिए ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इमो पर रिंग टून कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी इमो की जो डिफ़ॉल्ट टून होती है उसकी जगह हम कोई अच्छी सी नार या कोई अपना पसंदीदा सॉन्ग किस तरह लगा सकते हैं। दोस्तों तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है कि कोई टेक्निकल आदमी कर सके, ये तकरीबन हर वो आदमी कर सकता है जो थोड़ा बहुत मोबाइल ऐप के बारे में जानता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है APK एडिटर। प्ले स्टोर में और जाकर APK एडिटर। दोस्तों ये वो ऐप है, मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है ताकि टाइम की बचत हो जाए, आप दोस्तों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। इसे ओपन करें, ओपन कर इस तरह इसका मोनोग्राम ओपन होगा, शो होगा। तो आपको करना ये है कि आप यहाँ से सेलेक्ट APK फ्रॉम APP, सेलेक्ट APK फ्रॉम APP, इस पर क्लिक करें सेकंड नंबर वाले पर, और यहाँ से आप अपनी ऐप सेलेक्ट करें जिसको आपने एडिट करना है। यानी आप इस वक्त मैं इमो के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आप इमो सेलेक्ट करें और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट पर है फुल एडिट और नीचे है सिंपल एडिट, तो आपने सिंपल एडिट पर क्लिक करना है। सिंपल एडिट यहाँ देखें, बिल्कुल फर्स्ट टॉप पर देखें फाइल्स इमेज एंड ऑडियो, तो आपने रिंगटोन चेंज करनी है तो आप ऑडियो पर क्लिक करें। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आप ये सबसे लास्ट आ जाएं RT30S.OGG, जहाँ लिखो है बिल्कुल लास्ट में, ये रिंगटोन का ऑप्शन है। यहाँ से आप एडिट कर पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करें और आप जो भी रिंगटोन लगाना चाहते हैं, नात लगाना चाहते हैं, कोई भी सॉन्ग लगाना चाहते हैं, तो आप उसको तलाश करें अपने मोबाइल में फाइल को। ये देखें ये MP3 नात मेरे पास पड़ी हैं, ये देखें इनमें से मैं कोई नात सेलेक्ट करता हूँ। ये मिसाल के तौर पर मैंने कहा नात सेलेक्ट किया, मेरे आपका आओ के मुदत हुई है। ये देखें मैं आपको चला के चेक भी, पहले जहाँ इमो की जो डिफ़ॉल्ट टून है वो भी वही थी। ये देखें मेरे ये अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये जो इमो की डिफ़ॉल्ट टून होती है जो हर इमो में होती है, आप उसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी इस तरह दूसरी भी टून अपने पसंद का सॉन्ग नात कोई भी टून से लगा सकते हैं। और ये ऊपर भी है नोटिफिकेशन का, बेल कॉल आउट का, ये सारी टून भी आप चेक कर सकते हैं। ये जैसा कि इसके ऊपर है ग्रुप रिंग्स, इसके ऊपर वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, इस टून को जो ग्रुप कॉल मुझे आएगी उस पर कौन सी टून होनी चाहिए, तो इस पर मैं रख लेता हूँ ये ईद मुबारक वाली। ये देखें ये मैंने सेलेक्ट की, मैंने सेलेक्ट कर दी। इसके बाद आपने करना, इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। ये नीचे सेव का बटन नज़र आ रहा है, इस पर प्रेस करें। दोस्तों ये अब वर्किंग प्रोसेस में चला गया है, अब ये प्रोसेस तकरीबन एक मिनट का वक्त लेगा, क्योंकि आपकी जो रिंग डिफ़ॉल्ट रिंग टून थी इमो की, उसकी जगह अब आपने जो नात या सॉन्ग सेलेक्ट किया होगा वो कन्वर्ट होगी, तो इसलिए ये एक दो मिनट का प्रोसेस है, इसको मुकम्मल होने देते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरी फेसबुक टाइमलाइन, तो दोस्तों एक दो मिनट के बाद जब ये वर्किंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा,
तो ये मुकम्मल हो चुका है। ये देखें लास्ट में तीन ऑप्शन है, रिमूव, इंस्टॉल एंड क्लोज। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है द ऐप इज़ ऑलरेडी इंस्टॉलेड, यू मे नीड टू रिमूव इट बिफोर इंस्टॉलिंग द मॉडिफाइड ऐप APK। यानी ये कह रहा है कि ये एप्लीकेशन जो एमओ है आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल्ड है, जो आपने पहले एमओ इंस्टॉल की हुई है उसको पहले रिमूव कर दें। तो ये आप रिमूव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पहले एमओ थी इंस्टॉल हुई थी मोबाइल पर वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। ये देखें कि पहले वाली एमओ अनइंस्टॉल हो जाएगी और जो आपने अभी नई एमओ खुद से तैयार की है IMO जिसमें आपने अपनी डिफ़ॉल्ट टून लगाई है वो अब इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में। तो अब वो पहले वाली रिमूव हो गई, अब इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें और दोस्तों ये देखो ये अब एक नए सिरे से इमो इंस्टॉल होगी आपके मोबाइल पर जो आपने खुद एडिट किया है, जिस इमो में इमो ऐप में आपने एडिटिंग की है वो इमो आपके मोबाइल पर अब इंस्टॉल होने जा रही है, जिस पर आपको टून रस्सी अपनी पसंद की टून जिस पर आप सुन सकेंगे। दोस्तों ये इमो इंस्टॉल थी मेरे मोबाइल में जो कि आप इमो इंस्टॉल नहीं है। ये देखें मेरे ऐप इसमें आपको इमो नज़र नहीं आ रही कहीं भी क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। ये अब नई इमो इंस्टॉल हो रही है मेरे मोबाइल में, ये इंस्टॉलेशन होने दें। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर इमो इंस्टॉल हो जाएगी। इमो इंस्टॉल होने के बाद आपको जब भी कोई कॉल आएगी इमो पर तो उसको आप बजाय कि आपको डिफ़ॉल्ट टून सुनाई दे उस आपको वही टून सुनाई देगी जो आपने इधर एडिट की होगी। ये अब एक इंस्टॉल हो चुकी है, आप इसे डन कर ओपन कर देता हूँ बल्कि मैं आपको चेक करवाने के लिए। ये देखें दोस्तों ये इमो इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये कंफर्मेशन नंबर मांग रहा है जिस नंबर पर मैंने इमो बनाई हुई है, तो लिहाजा इस वक्त मैं सऊदी अरब में हूँ तो मैं अपना सऊदी का नंबर दूंगा, मेरे यहाँ के नंबर पर इमो बनी हुई है। तो दोस्तों ये देखो मैं इधर लिखता हूँ SAUDI सऊदी अरबिया, ये देखो सऊदी का नेशनल कोड, मेरा नंबर है 59 07 0 3 6 2 1। ये देखो दोस्तों ये कंफर्म हो रहा है, ये इमो इंस्टॉल हो रही है दोबारा से। दोस्तों ये देखो मेरे नंबर पर मेरे मोबाइल पर एक नया इमो इंस्टॉल हो चुकी है और अब मैं ये देखो मेरे साथ का सारे कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने जो टोन चेंज किया है क्या वाकई वो काम कर रही है या मैं ये फेक ऑडियो बना रहा हूँ, फेक वीडियो बनाकर आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ कि वाकई इसमें कुछ हकीकत है। दोस्तों तो ये मैं आपको कंफर्म करने के लिए आप ये देखें मैं अपने एक दोस्त के मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखो आप टोन आपको मेरे तो ये देखें आप खुद देखें किस तरह मेरी डिफॉल्ट दोस्तों। तो इसी तरह आप कोई भी टून यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो मैसेज का नोटिफिकेशन टून है इसको भी आप अपनी मनपसंद की टून लगा सकते हैं। और इसी तरह आप ये देखें दोस्तों इसी तरह आप कोई भी टून अपने मोबाइल पर पसंद की टून लगा सकते हैं। तो एक मरतबा फिर मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी काविश आप दोस्तों के लिए जो मैंने किया है आप दोस्तों को ये ट्रिप बताई है आपको बहुत पसंद आएगी। और उम्मीद रखता हूँ आप मेरा YouTube चैनल
मेहरबान न्याजी, खानका सिराजिया, मियाँ वाली पंजाब ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी आईटी के हवाले से, मोबाइल ट्रिप्स, कंप्यूटर के हवाले से, डिश एंटीना के हवाले से बहुत सारी ट्रिप रोज़मर्रा लाता रहता हूँ। दोस्तों, कुछ अरसे से मैं आईटी अपने आईटी चैनल पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इधर सऊदी में मेरा कोई कफील के साथ वीज़ा प्रॉब्लम चल रहा था और रमज़ान भी था, तो इसलिए मैंने कुछ अरसे से कोई भी ट्रिप आप दोस्तों के लिए नहीं ला सका। एक दो माह का वक्फ़ा हो गया है, तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों से माजरत ख्वाह हूँ जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था। उन दोस्तों से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उनकी खिदमत में मैं हाज़िर नहीं हो सका, और आइंदा इंशाल्लाह रेगुलर आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर ट्रिप्स लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों, आप मेरा ये फेसबुक आईडी भी ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप भी है न्याजी टीवी आईटी की दुनिया, और ये मेरे फेसबुक आईडी है मोहम्मद मेहरबान न्याजी @yahoo.com, और ये मेरी फेसबुक पेज है, फेसबुक टाइमलाइन है, इस पर भी आपको बहुत सारे ट्रिप और ट्रिक्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह आइंदा में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी ट्रिक्स बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए अपने दोस्त मेहरबान न्याजी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए ट्रिक के साथ, एक नए अंदाज के में। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, देखना मत भूलिएगा।